Bro, please drop me to the auditorium because Tanmay has already put me on a roller coaster already. वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ किरदार कहानी और किस्से ब्रॉट टू यू बाय द आर्टिस्ट इन एसोसिएशन विद टी पोस्ट अपनी चाय की दुकान. सो आवर गेस्ट फॉर टुडे इज मिस्टर अनिकेत पांड्या. ही इज एन इंजीनियर एन एंटरप्रेन्योर अ फिल्म मेकर बट अबव ऑल अ थिएटर आर्टिस्ट. सो यस अनिकेत वी वेलकम टू आवर शो. थैंक यू सो मच श्रेय. इट्स अ प्लेजर बीइंग विद द आर्टिस्ट हब टुडे. So, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं जो हमारा थीम है मैं उस पर आपके साथ बात करना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है जो एरा है दे टॉक अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स एंड मूवीज तो दे आर वेरी कीन टू वॉच दैट. मतलब हर हफ्ते एक नया वेब सीरीज आता है और मतलब लोग पूरा रात रात भर जाके देख लेते हैं. इस जनरेशन इस एरा में भी वॉट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू होल्ड मतलब बैक टू थिएटर्स. सी थिएटर एक ऐसा मीडियम है कि आई कैन बी वॉट एवर आई वॉन्ट टू बी. मैं जब चाहे तब थिएटर का प्ले लिख सकता हूँ सो आई कैन बी अ राइटर. मैं चाहूँ तब उसमें सॉन्ग कंपोज कर सकता हूँ. आई कैन बी म्यूजिक डायरेक्टर. आई कैन डायरेक्ट द प्ले. आई कैन बी अ डायरेक्टर और इफ नीड बी जब जहाँ पर जरूरत पड़ी कैरेक्टर की डिमांड हुई आई कैन बी एन एक्टर. सो द फर्स्ट थिंग दैट हेल्प्स मी स्टिक विथ थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म इज दैट ऑल दीज आर्ट फॉर्म्स आर अवेलेबल विथ थिएटर. अब जब आप वेब सीरीज वगैरह की बात करें तो जब हम शूट करते हैं तब आई शेयर एन इंसिडेंस. मेरी रीसेंट जो अभी वेब सीरीज के लिए जो मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ पर आशीष भट्टी द वेरी सीनियर थिएटर आर्टिस्ट उनसे मैं बात कर रहा था. नाउ फॉर द फर्स्ट टू फिल्म्स दैट आई हैव डन आई वाज इन द डायरेक्शन टीम. तो होता है जब आप एक्टिंग करने जाते हो तो ना थोड़ा सा होता है यार डायरेक्टर ये इस एंगल के बदले वहाँ से लेता ना तो शायद ये शॉट मेरा अच्छा था. यू नो यार यहाँ पर ये इमोशन उन्होंने कहा नहीं अगर ये. सो आई वॉज डिस्कसिंग ऑल दिस विद हिम एंड ही टोल्ड मी वन थिंग कि आप यहाँ किस लिए आए हो. मैं बोला सर आई एम हियर एज एन एक्टर. तो एक्टिंग करो. वो डायरेक्टर का काम है वो कैमरे पर क्या कर रहा है. आर्ट डायरेक्टर का काम होता है आर्ट डायरेक्शन करना. आप यहाँ पर क्या करो आप यहाँ पर एक्टिंग करो. सो वन थिंग दैट ब्रिंग्स मी और कीप्स मी अटैच विद थिएटर इज दैट एज अ थिएटर आर्टिस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग. सबको सब कुछ आना चाहिए और कई बार सबको सब कुछ करना भी पड़ता है. यू सी इवन बिग प्रोडक्शन हाउसेज वेयर सिद्धार्थ नांदेरिया सर एक्ट्स और संजय गोरड़िया सर एक्ट्स या रिसेंटली जैसे हम लोग अभी सौम्य जोशी सर के प्ले यहाँ पर बड़ोड़ा में जब आया था डियर वेलकम जिंदगी तो वहाँ पर भी इफ यू सी ही हैड टू राइट ही हैड टू डायरेक्ट द प्ले ही हैड टू एक्ट इन इट. यू नो सो थिएटर गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ परस्यूइंग योर हॉबी इंटरेस्ट और पैशन इन विच एवर डायरेक्शन यू मे गो. तो दैट इज वन बेसिक रीजन जिससे जिसकी वजह से थिएटर की तरफ जो प्यार है वो कभी कम नहीं होता. तो अभी जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट है या परस्यूइंग एक्टर्स है जो डायरेक्टली फिल्म में अपना चांस ढूंढते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जूनियर आर्टिस्ट का भी काम करते हैं टू गेट वन बिग रोल बट दे आर नॉट लाइक दे डोंट गो टू थिएटर्स. तो वो कितना ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए या फिर एक एक्टर के लिए टू गो इन टू द थिएटर और उसके बाद अपना वो ड्रीम. सो हाउ मच बेसिक और हाउ मच नेसेसरी इट इज फॉर एन एक्टर to go into the theater before coming into. That's a beautiful question, Shrey. Theater or film industry is one of those industries ke jahan par degree ki zarurat nahi hoti. It is pure talent. Some of them are gifted and some of them nourish their talents by performing, practicing and giving themselves the exposure that they need. Ab zaruri nahi ki jitne bhi film stars hue hain wo sare theater backgrounds hain. Particularly if you talk about the early times, you know, जब कपूर्स या खन्नाज वर द थिंग उस टाइम पर थिएटर वॉज नॉट दैट पॉपुलर. बट इफ यू सी टूडेज वर्ल्ड जब OTT पर्टिकुलरली आफ्टर द OTT प्लेटफॉर्म दैट हैज कमिंग टू पिक्चर मोस्ट ऑफ द एक्टर्स दैट यू सी हु आर आउट परफॉर्मिंग एंड एक्सीडिंग पीपल्स एक्सपेक्टेशन वेदर इट इज पंकज त्रिपाठी वेदर इट इज प्रतीक भाई प्रतीक गांधी और वेदर इट इज यू नो के मेनन दे हैव देयर रूट्स इन थिएटर. व्हाई बिकॉज थिएटर आपके कैरेक्टराइजेशन को इतना मजबूत कर देता है कि वंस यू आर इन टू द कैरेक्टर एंड यू नो द नुएंसेस ऑफ इट it becomes difficult for you to get leave the hold of it. Once you get the hold of it, it is difficult for you to get out of it. Now particularly talking about jab aap junior artist wagera ki baat karte hain ha har ek actor ki shuruaat kahin na kahin wahi se hoti hai because no one would give you that
यू नो दैट पार्ट ऑफ देयर फिल्म की जहाँ पर आपके ऊपर वो एक रिस्क ले सके, क्योंकि अगेन फिल्म जब आप देखते हैं तो थिएटर के मेकैनिज्म से काफ़ी अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि फिल्म के अंदर क्या होता है कि देर इज़ अ ह्यूज बजट विच इज़ इन्वॉल्व एंड अल्टीमेटली इट नीड्स टू हैव एन ROI. अगर सलमान खान भी फ्लॉप फिल्म देता है तो दूसरी बार या तो वो डायरेक्टर चेंज करेगा या प्रोड्यूसर चेंज हो जाएंगे, राइट? सो इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल मीडियम एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस. सो नोबडी वुड वॉन्ट टू रिस्क देयर मनी ऑन समबडी हु इज़ नॉट लर्न. जनरली ये ट्रेंड हमने देखा हुआ है व्हेन आई टेक ऑडिशंस फॉर फिल्म्स एंड ऑल, यू नो एक जो मिसकंसेप्शन हो चुका है कि इफ़ यू आर अ गुड मॉडल, अगर आप मॉडलिंग अच्छे से कर पा रहे हो, इफ़ यू आर मिस्टर गुजरात, मिस्टर वडोदरा, मिस्टर इन ऑर्बिट, मिस्टर XYZ, तो इट बिकम्स अ बेटर चांस फॉर यू टू गेट इन टू द फिल्म्स. क्यों? ऑफकोर्स यू नो एक ज़माना था जब यू योर चॉकलेटी फेस कुड अर्न योर गुड रोल इन द कैरेक्टर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सी लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इवन ऑडियंस गेट्स एडुकेटेड. आज से अगर आप 60s की फिल्म में देखो तो आज का ऑडियंस, आज की ऑडियंस बहुत सारे खामियां निकालेगी, अरे यार यहाँ पे थोड़ी कंटिन्यूटी मिसिंग है, अरे यार ये तो कोई होता है, दिस इज सिम्बोलिज्म है, थोड़ी होता है, वी वॉन्ट रियलिस्टिक सिनेमा टू वॉच, यू नो, एंड थिंग्स हैव अ पैराडाइम शिफ्ट. सो अलॉन्ग विद दैट, जस्ट लाइक द ऑडियंस हैव बीन एडुकेटेड अबाउट फिल्म्स, अबाउट थिएटर्स इन अ सिमिलर वे, नाउ इट इज हाई टाइम वी रियलाइज दैट इवन द आर्टिस्ट नीड्स टू बी मोर एडुकेटेड देन द ऑडियंस. आपने इतना बात कर दी, फिल्म मेकर्स और थिएटर डायरेक्टर्स भी होते हैं, सो बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट एंड अ फिल्म मेकर, सो उस पर्सपेक्टिव से कीपिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स असाइड, क्या डिफरेंस होता है मतलब थिएटर और फिल्म के बीच? थिएटर और फिल्म में एग्जैक्ट उतना फर्क होता है जितना एक जूम डेट पर और एक एक्चुअल डेट पर होता है. जूम डेट इज अ फिल्म वेयर यू कैन सी एवरीथिंग बट यू कैन नॉट फील इट अनटिल एंड अनलेस यू आर टू मच इनटू इट एंड यू नो आर्टिफिशियली पुट इन दैट फीलिंग एंड टेक इट. प्लस थिएटर इज अ लाइव मीडियम. मैं तुम्हें अभी, तुम पर प्यार आ जाए आई कैन हग यू, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ जाए यू कैन गिव मी अ स्लैप. जूम पर एट मैक्स यू कैन डू इज रेज योर हैंड, पुट ऑफ योर कैमरा और लीव द मीटिंग. इन अ सिमिलर वे व्हेन देयर इज, व्हेन एज एन ऑडियंस जब मैं थिएटर देखता हूँ तो अगर मैं चिल्ला रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक्टर को पता चलेगा कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद नहीं आई है. एज एन एक्टर जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और अगर लोग नहीं हंस रहे तो एज एन एक्टर मुझे पता चल रहा है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा है. सो यहाँ पर इसलिए टेक्निकल्स को असाइड रखो, इट इज मोर अबाउट द फील. मैं अगर मान लो इफ आई एम वॉचिंग दिस मूवी शेरशाह और मुझे रोना आ गया लास्ट सीन देखे, व्हेन यू नो दैट्स अ वेरी इमोशनल सीन एंड देन द सॉन्ग फॉलोज, आई कैनॉट गो एंड हग द आर्टिस्ट ओवर देयर, और एट मैक्स आई कैन फील एंड आई विल कंटेन इट विद इन मी. थिएटर में स्टिल हैव अ चांस कि यार मेरे को इसकी एक्टिंग इतनी पसंद है, आई विल गो बैक स्टेज एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट. सो इट, थिएटर इज अ मीडियम विच कीप्स द कनेक्ट बिटवीन द ऑडियंस एंड हिज आर्टिस्ट अलाइव. आई गेस एवरीवन इन दिस रूम कैन एक्सपीरियंस व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ एवरीवन ऑफ अस हैज गॉन थ्रू ओपन माइक्स, यू नो द फीडबैक ऑफ ऑडियंस लाइक. ऑफ कोर्स आई रियली कनेक्टेड विद यू व्हेन यू सेड दैट मोनोलॉग टाइप्स लगता है व्हेन यू आर, इट्स ऑन अ Zoom कॉल. ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ फिल्म और उसका. इनफैक्ट पैंडेमिक में क्या था कि व्हेन एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन, थिएटर को ऑनलाइन कैसे करें? क्योंकि इसकी मजा ही ये है दैट यू नो यू हैव एन इंटरैक्टिव थिंग, यू हैव अ लाइव कनेक्ट. हाँ, एंड इट इज, सी इवन दो आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, आई वुड पर्सनली प्रेफर कि मैं जूम पर थिएटर देखूँ यू नो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट, बट इफ आई एम कंज्यूमिंग इट एज अ कॉन्टेंट और एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आई वुड रादर वॉच समथिंग विच हैज बेटर क्लैरिटी, बेटर साउंड, बेटर विजुअल्स, so that I can enjoy it as a medium. So let's see what the future is. But our abhi jo koshish hai wo yahi hai ki isko ho sake utna zinda rakhe. And as I told you ki aane wale samay mein jis tarike se ye duniya kahan ja rahi hai us hisab se hame bhi khud ko dhalna padega. So Aniket Pandya, an engineering student, to Aniket Pandya, the founder of Aniradhi Chita. Tell us about that. Like, who is Aniket Pandya and when did, like, when did, from where did the thought of Aniradhi Chita came? And yes, that's a beautiful question. So bachpan se ye tha, you know, there are kids jinko chocolate dene se wo rona band karte hain, yeah, you know, you put the nipple into their mouth and they stop crying. I was a person ki jo TV chalu hota tha tabhi band hota. So since a kid somewhere I was, you know, and I as a kid I always had this fantasy that, you know, there are cameras, hidden cameras out there, I have to, you know, always act. Yeah.
एंड सिंस माई स्कूल डेज आई वॉज डूइंग थिएटर, क्योंकि हमारी स्कूल में भी एनुअल फंक्शन जब भी होते थे, सो आई यूज टू मेक श्योर दैट यू नो क्लासेस वासेस में मैं कितना भी ध्यान दूँ, स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, पर वो रिहर्सल स्टार्ट होते थे तब से इट वॉज लाइक ओके नाउ यहाँ पर जैसे रोज मंदिर जाया कर रहे हैं वैसे ही यहाँ इट शुड बी. सो आई डिड माई फर्स्ट फुल टाइम प्ले वैन आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, चरणदास चोर, रिटन बाई हबीब तनवीर, एंड इट वॉज द फर्स्ट थिंग जब मुझे लगा कि यार थिएटर इज ऑसम. Why? Because you know when you are out of that play and when people appreciate your acting, यार कभी marks के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा parents बोलते हैं, teachers बोलते हैं very good. लेकिन जब तुम्हारे friends, तुम्हारी society वाले, you know, तुम्हारे गांव के सारे लोग आकर के तुम्हें बोलते हैं यार अनिकेत बहुत सारू काम करियो, तो this gives that kick. A genuine appreciation is you know what you get from here. And बचपन में लोग मैं क्रिकेट का बैट मैंने पकड़ा खेलने के लिए, उससे पहले आई हैड दिस वो जो छाछ होता है गुजराती मैंने रवेड़ो के बाद राइट, तो वो हाँ छाछ यू जनरली स्क्विंट विथ इट, तो मैं उसे गदा बनाता था, बेलन को पूंछ बनाता था, और फिर मैं हनुमान जी बन के पूरे स्ट्रीट में जा कर के यू नो खेल करता था. सो आई हैड दिस थिंग सिंस अ किड. लेकिन वही यार सी जैसे यू नो सम अदर स्पीकर्स हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस दैट यू नीड टू हैव अ बैलेंस इन लाइफ. थिएटर पर्टिकुलरली चलो वडोदरा में फिर भी देर इज अ फैकल्टी, बट आई कम फ्रॉम कालोल, दैट्स अ वेरी स्मॉल टाउन अवे 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वडोदरा. सो वहाँ पर थिएटर एज अ करियर आज की तारीख में यू कैन नॉट परस्यू. वहाँ पर एक ऑडिटोरियम ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई थिएटर आर्टिस्ट भी नहीं है कि जो आपको गाइड कर सके. सो यू नो यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड के पप्पा मम्मी के नाटक शू करो, जो नाटक थी पैसा नहीं आवाना, सो यू हैव टू मेक अ टफ चॉइस इन लाइफ. तब वही टेंथ के बाद साइंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ते हो, यू टेक साइंस, एंड सिंस देन आई डिसाइडेड एक्चुअली. तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि ये 11 12 के दो साल और उसके बाद इंजीनियरिंग के छः साल मैंने आपको दे दिए, 2+4 इज योर्स, बट आफ्टर दो 6 ईयर्स आई विल डू वॉट आई वॉन्ट टू डू विथ माई लाइफ. स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने मुंबई जाने की बात की, बिकॉज मुंबई आप नहीं जाते तो यू कैनॉट परस्यू दिस एज मच एज अ करियर. बट फॉर्चुनेटली उस टाइम पर अभिषेक भाई ब्रॉट दिस मूवी केवी रीते जयेश एंड अर्बन गुजराती सिनेमा वॉज डिफाइंड. अब उस टाइम पर क्या होता कि वेन आई वेंट इन टू फिल्म मेकिंग माई कनेक्ट विथ थिएटर वॉज समवेयर लॉस्ट, क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी कि इंजीनियरिंग की कोर्स भी करना है, थिएटर जितना कॉलेज में होता था उतना हम करते थे, और फिल्म मेकिंग मैं अहमदाबाद जा करके एक प्रोडक्शन हाउस के साथ करता था. तो वहाँ पर इट वॉज गेटिंग ऑल यू नो मैं क्या करूँ, नाउ यू आर फिगरिंग आउट कि फिल्म में पैसा है, फिल्म में फेम है, पर थिएटर में नहीं है. अब थिएटर में अगर मैं करूँगा नहीं तो एज एन एक्टर मुझे वो प्रैक्टिस नहीं मिलेगी. तो वहाँ पर भी एक क्राइसिस वॉज फॉलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कटिंग इट शॉर्ट आई यू नो वहाँ पर उतना आई कुड नॉट मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, क्योंकि इंटर्न के तौर पर यू आर नॉट पेड मच इन द फिल्म इंडस्ट्री, एंड देन योर फैमिली हैज दैट प्रेशर ऑन यू, कमाना पड़ेगा बिकॉज दे थॉट कि अगर इंजीनियरिंग के बाद तुमने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया तो शायद तुम्हारी डिग्री इतनी इनवैलिड हो जाएगी कि फिर तुम्हें कोई काम देगा भी नहीं. सो देन आई जॉइन द कॉरपोरेट्स, वहाँ पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिली, एंड बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट मशीन स्टफ, सो आई चोज अगेन वन थिंग कि वॉट इज द नियरेस्ट इन एन इंजीनियरिंग डिग्री के जो मुझे थिएटर के साथ कनेक्ट कर सके. बहुत ऐसे रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक मार्केटिंग का बंदा ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी थिएटर पर्सनैलिटी है तो शायद तुम कॉरपोरेट मार्केटिंग में चल जाओगे. फॉर्चुनेटली माई करियर गॉट अ बूस्ट, आई गॉट वेरियस प्रमोशंस, एंड बाई द एंड ऑफ 2018 आई हैड अ सिक्योर्ड जॉब एंड अ पैरेलल थिएटर करियर. सो मॉर्निंग 8 to 6 आई यूज टू हैव माई जॉब, वहाँ पर सारा काम निपटा कर शाम के 7 बजे से अलग अलग प्रोडक्शंस में यूज टू वर्क. कभी प्रोडक्शन करता था, कभी डायरेक्शन में रहता था, इन सम आई यूज टू प्ले द एक्ट एज एन एक्टर. सो मेजरली उस टाइम पर आई वॉज इधर एक्टिंग और इन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपेंडिंग अपन जॉब के चलते कहीं बाहर जाना हुआ ये वो. देन वन फाइन डे इट हिट मी, यू नो आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड दैट सी इट्स बीन 5 years नाउ, आपने मुझे कहा जॉब करने को, आई एम डूइंग इट राइट, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट. आई मीन ओके आई एम डूइंग थिएटर पैरेलली, बट स्टिल यू नो आई फील दैट आई एम नॉट गिविंग 100% टू माई passion. And if I'm not giving 100% to it, so I will just pursue it as a hobby, and this is not my hobby, this is who I am. I can associate myself with theater more than I can associate myself as the digital director of XYZ corporate.
मुझे उस टाइम पर आई वॉज विथ अ लंडन बेस्ड जर्नलिज्म स्टार्टअप, अ टेक्निकल जर्नलिज्म स्टार्टअप. सो वहाँ पर ओके आई वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, आई वॉज हाईली वैल्यूड, बट यू नो यू हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग. दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट हु आई एम, दिस इज वॉट द वर्ल्ड वॉन्ट्स मी टू बी, सो हु आई एम. वहाँ से जर्नी शुरू हुई. एंड उस टाइम पर श्रेय, दिस वुड बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो, लेकिन अनिरादि चिता की शुरुआत हुई थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म, बिकॉज आई वॉज इन टू दैट. एंड जस्ट सो दैट माई पेरेंट्स फील दैट यू नो ओके ही इज डूइंग अ फ्रीलांस बट ही विल हैव सम जॉब टू डू, आई स्टार्टेड इट ऑफ एज अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म. मेरा कोर्स उस टाइम पर खत्म, आई हैड गॉट दैट गूगल सर्टिफिकेशन, दिस इज वे बैक इन 1718. सो आई स्टार्टेड इट एज अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म, सो दैट यू नो ओके थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग वर्क आता रहे एंड आई कैन नाउ परस्यू, यू नो दैट वॉज लाइक अ एस्केप होल फॉर मी. सो आई आस्क माई डैड कि आप एक साल मुझे दीजिए, आई विल डू समथिंग सब्सटैंशियल इन इट, इफ आई डोंट डू दैट देन आई विल सरेंडर टू यू. वॉन्ट मी टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आई डू दैट. आप मुझे बोलोगे MBA करना है तो MBA करूँगा. यहाँ तक आ गया कि आप मुझे बोलोगे कि मैं शादी कर लूँ तो मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मुझे अपना एक साल दो. इट्स बीन अ डिकेड लॉन्ग फाइट बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड एंड आफ्टर वन डिकेड आई एटलीस्ट डिजर्व वन ईयर फॉर मी. माई डैड समवेयर वॉज कन्विंस्ड विद दिस, क्योंकि ही कुड सी मी, यू नो, क्योंकि बेटा इतने सालों से अगर यू नो आई वॉज ऑलवेज दैट रिबेल स्पिरिट वाला एंड नाउ आई एम कमिंग टू नेगोशिएट, तो फिर पापा को कि नहीं नहीं ही हैज समथिंग इन हिज माइंड. सो मॉम इवन टुडे इवन आफ्टर हैविंग दिस स्टार्टअप, आज भी मेरी माँ यही बोलती है कि बेटा SBI में जॉब वैकेंसी आई जा तारा जो है तो. बट डैड अंडरस्टूड दैट एंड ही गेव मी माई चांस एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज नंबर वन हैप्पी दैट नाउ आई हैव थिंग्स ऑन माई ओन, अब मैं वो कर पाऊंगा जो मुझे करना है. लेकिन उस एक साल में एक प्रेशर भी था कि अगर इस एक साल में कुछ हुआ नहीं ना, सो आई विल हैव टू एंड अप बैक टू दैट जॉब दैट और दैट लाइफ दैट आई हैव रियली यू नो विथ अ लॉट, इट्स टेकन अ डिकेड फॉर मी टू एस्केप फ्रॉम इट. सो एक वो डेडलाइन का डर उसके, एंड प्लस इट वॉज वेरी न्यू, बड़ौदा में काम उतना नहीं मिलता एक थिएटर आर्टिस्ट को या फिल्म आर्टिस्ट को जितना आपको बॉम्बे अहमदाबाद दिल्ली में मिलता है. बट अगेन ड्यू टू सर्टेन फैमिली डायनेमिक्स इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मूव आउट ऑफ बड़ौदा. सो मैं क्या करता था अहमदाबाद, अगेन आई यूज टू कम्यूट, यहाँ से 4 बजे की वो मिनी बस आती है वहाँ पे बैठता था, अहमदाबाद जाता था, रिहर्सल्स करता था, शाम की कालूपुर में मुझे ड्रॉप करते थे वो, कालूपुर से मैंने ट्रेन का टिकट निकलवा लिया था, सो आई यूज टू कम बैक. इस तरीके से आई स्टार्टेड एंड देन सफलता लैंडेड टू मी एंड माई फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट गुजराती डांस बेस्ड फिल्म टीम पूरी मुंबई की है, मुझे मुंबई जाने को मिलता एंड डी सर इज प्लेइंग द लीड, सो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ इट. एंड जब द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो दैट ओके दिस इज गोइंग टू हैपन, आई वेंट टू माई डैड एंड आई टोल्ड हिम डैड इन द ईयर आई हैव मेड इट. दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब ही यू नो ही गॉट दैट फेथ इन मी. और एक बेटे के लिए है ना, सी अ फादर सन रिलेशनशिप इज अ रोलर कोस्टर रिलेशनशिप. बचपन में योर डैड इज योर हीरो, देन व्हेन वी एंटर अवर टीन्स he becomes a villain because he is the one who is trying to control your life and you want to break free. As an adult you are still like okay chalo dono saath mein baith ke chai peete hain, but you always want to you know that your dad reason. Your dad always wants ki yaar kab wo din aayega jab log mujhe bolenge ki main Aniket ka baap hu, and I want that time to come again. To aisa pehli baar tab hua tha jab mera IIT mein hua, kyunki engineering mein continuously matlab low grades ke sath and I won't shy away har semester mein minimum 180 hoti thi apni. And you know, you people talk all those nonsense. So, us time par when I could make it to IIT, I could see the pride of a father in his son. That joy, you know, those tears that he had in his eyes, those became my motive or a source of inspiration to work for this. Movie ki shooting khatam hui, kuch chunks baki the. And we realized ki hum jo Diwali 2018 mein shoot karke release karne wale the, wo 19 mein gaya. फिर से बिना काम के क्या करोगे आप. पर एटलीस्ट वन थिंग वॉज सर्व्ड कि पापा अब ये नहीं बोलेंगे कि अब तू शादी कर, क्योंकि नाउ ही नोस दैट यू नो ही हैज द अबिलिटी, ही जस्ट नीड्स अपॉर्चुनिटीज. देयर इज वेयर नाउ व्हाट वुड आई डू, व्हाट डज अनिरादि चिता नीड्स, इट नीड्स प्रोजेक्ट्स, इट नीड्स डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स. लेकिन अगेन वहीं पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली आई एम लिविंग द सेम लाइफ दैट आई यूज टू लिव देयर, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई पैशन. 2018 में व्हेन आई वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वडोदरा, उस टाइम पर दिस कंसेप्ट केम इन कि यार
मुझे थिएटर का काम क्यों नहीं मिल रहा, आई वेंट ऑन वेरी स्ट्रेट कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स नहीं है. प्रोफेशनल्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी प्रोफेशनल्स है वो अहमदाबाद चले जाते हैं या मुंबई चले जाते हैं. वो क्यों चले जाते हैं, क्योंकि काम नहीं है. काम क्यों नहीं आता, क्योंकि प्रोफेशनल्स. इट्स नाउ लाइक अ लूप होल, इट्स अ कॉन्स्टेंट लूप. एंड आई डिसाइडेड दैट वी नीड टू ब्रेक इट, और किसी को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी नहीं किया तो फिर या तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा या अहमदाबाद जाना पड़ेगा, या तो फिर मेरे जैसे कई लोगों को एक जॉब लेकर के एक सपना, यू नो, जो वो मर रहे होंगे तब बोलेंगे यार मैं भी एक एक्टर बन सकता था, अपॉर्चुनिटी मिल गई. सो वहाँ पर आई वेंट टू माई मेंटर, आई एक्सप्लेन हिम द एंटायर आइडिया. ही गॉट कन्विंस, बट ही टोल्ड मी दैट इफ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस वी विल ओनली बी योर हेल्पिंग हैंड्स. दिस इज योर ब्रेन चाइल्ड एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. And that is how Date with Theater was designed. Yes. जहाँ पर हम मिले. Yes, we हमने regular जाता था Date with Theater. And the first Date with Theater that we did was with Pratik bhai, Pratik Gandhi. And वहाँ पर Nikunj Modi, the one जिसके घर पर मैं रुका था, and who actually inspired me to get into the industry. You know, it was like a welcome gift to him, because he also wanted to. He had always explored camera acting. He wanted to explore theater. So it was like a small gift from me to him. So वहाँ से हुई शुरुआत Date with Theater की, and that is where the ideation of Aniruddha Chitra kept in place. And the first thing we did was, you know, when we started doing theater was research. We started writing a research paper on Bhavai. क्योंकि अगर गुजरात में मैं theater based startup कर रहा हूँ, तो पहले मैं गुजरात की बात करूँगा. And fortunately, it was appreciated by delegates of 33 countries, and it has found its place in the journal presented at the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Yeah. Congratulations. Thank you. Thank you. And along with that, our team also got an opportunity to perform in front of those 33 delegates. That was the first major thing that happened to us as a startup. So from engineering to यहाँ पे, it is वैसे तो काफी लंबी जर्नी है, but it would cut it short. This was the beauty of this. And trust me, what happens is sometimes even you don't realize that, you know, what potential you have can be nurtured into a particular way. Honestly, I was fortunate enough to get excellent mentors, whether it was theater, whether it was entrepreneurship, whether it was filmmaking. All my mentors have played a very crucial role in molding me and my organization the way it is today. So, like, coming to the end part of it, as a theater artist, we like, expression plays a major role. So we have something for you related to this, and yeah. Tanmay would be guiding. All right, Tanmay. So this is my live audition, right? Yeah. Kind of, but I guess you will like it. Sure. So I have created a game near your genre only. It's okay. Rapid reaction fire game. Okay. So I'll give you situations. Okay. And then you'll have to give us a reaction. What's your reaction in that particular situation? Done. But it's on a rapid fire basis. Okay. Okay. Should I be looking in that camera and doing it? All right. Ready? So I'll give you a situation ki tumhe paani le aa jao glass todai. Okay. So what is your reaction? Okay, as an actor, or yeah, you want to also give me an emotion? So this would not be like તમારે કઈ બોલી નથી આપવાનું. હા, એ મને ખ્યાલ આવી ગયો, બટ સી ફોર ઓકે, નાવ થોડુંક ટેકનિકલમાં છે એટલા માટે આઈ ટેલ યુ. પાણી ઢોળા ઉપર વિવિધ પ્રકારના પણ રિએક્શન હોય. ઇફ સમબડી ઇઝ ફ્રસ્ટ્રેટેડ અને પાણી ઢોળે, ઇફ સમબડી શોક, ડર, સે વોટ 10 સેકન્ડ્સ જે પહેલું રિએક્શન આવે તમારું. યોર ફર્સ્ટ રિએક્શન. ઓકે. ઓલ સો લેટ્સ ડુ ધેટ. યુ જસ્ટ ગિવ મી ધેટ એન્ડ આઈ વિલ રિએક્ટ, રાઈટ? ચલો લેટ્સ ડુ ધેટ. ઓકે. तो आप एक बहुत थकान भर है, दिन से घर आए. So what's your face then? Okay. I'm like this. Then you get a call Then you realize that you have a show tomorrow. हाँ, स्क्रिप्ट मोकल. Then you decide to go to the party because you are exhausted as fuck. Then you come home, you sleep, and you sleep till it's late. Okay. You wake up and you realize that you are late for the show. Okay. So you start hurrying up. So I start? Hurrying up.
ओके अब फॉर द डे गेट अप रेडी एंड आई विल गो सो नाउ या एंड जस्ट व्हाइल यू आर लीविंग योर मॉम स्टॉप्स यू हां एंड व्हाट इज इट फॉर या बेटा दूध ले आओ ना छोकरा मार दूध ले आए मम्मी ने घर में मुकी जाए एंड आई लीव यू आर हाफ वे टू द थिएटर और ऑडिटोरियम राइट एंड यू रियलाइज कि कॉस्ट्यूम चल ही जैसे चल एक बार बट यू देन रियलाइज दैट यू हैव टू गो बैक टू गेट योर कॉस्ट्यूम बिकॉज़ इट्स नेसेसरी મારા કોસ્ટ્યુમ ઘરે રહી ગયા છે મમ્મીને ફોન કરી દઉં છું તું તાત્કાલિક લઈને પહોંચ જો શો પહેલા તું ના પહોંચે ને તો તું મરી ગયો ધ ફ્રેન્ડ ગોસ ટુ યોર પ્લેસ હી હેઝ ધ કોસ્ટ્યુમ હી કમ્સ હા એન્ડ યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ યોર ગાડી હેઝ નો મોર ફ્યુલ યુ આર જસ્ટ 15 મિનિટ્સ અવે ફ્રોમ ધ ઓડિટોરિયમ કેન આઈ ગેટ અપ યા નહીં સો ઇફ ધીસ ઇઝ માય સ્ટોરી હા ફક ઓલા And Ola is also full, as per your situation, the way it is going. No, because this happens. Ola, cancel ride. Cancel ride. And I am on the street. Shrey, bro, please drop me to the auditorium. Because Tanmay has already put me on a roller coaster already. So now you have Shrey. Yeah. You have your friend that's coming. Yeah. All the way from your home. He has your costume. Hmm. You reach there. Hmm. That guy somehow reaches faster than you. Oh, good. Now he calls you, bro, yeah. Where are you? Yeah, I'm here, come on, costume's ready, yes. Yeah, then you go to the green room, you're like, costume. Then you're just about to enter, you realize, ki kal to show tha, aaj to kuch nahi. You had a heavy party. Then you just sadly drive back home. No, first I'll go to the petrol pump, of petrol course. Pump, yeah, right. I'm quite in the character. And I go home and I'm sitting like this and... Engineering hi karlena chahiye. Nahin, ki wajah se hi aadat hui. Otherwise I would have been on time. Kyunki engineering mein hota kya hai, submission kare to file aaj bandi hai. Jabki theater mein rehearsal 2 mahine pehle se chal rahe hote hai. Yeah. That was actually a roller coaster, man. Good one, Tanmay. Good one. So, this was it for the second episode of Kirdar, Kisse aur Kahaniyan. And we thank you for being a part of it. Thank you so much, Ray. And I must say, you guys are doing an amazing work for artists like us. Because giving platform to artists is... Wo kehta na, ये एक भगीरथ कार्य है अगर मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बिकॉज नॉट एवरीबडी थिंक्स अबाउट आर्टिस्ट द वे इट शुड बी थॉट वी डू लव गेटिंग एंटरटेन बट एट व्हाट कॉस्ट इज टू बी थॉट एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस टुगेदर विल बी मेकिंग इट अ बिग थिंग एंड ऑल माई बेस्ट रिगार्ड्स टू द एंटायर टीम ऑफ आर्टिस्ट हब दैट यू विल ऑल रियली फ्लरिश वेल आई होप यू आर द नेक्स्ट CNC श्योर So, thank you.